प्रदीप दादा रावल ने जो भी आपको बताया और महेश जी ने जो प्रस्तावना रखी, ये प्रस्तावना केवल आपके स्वागत के लिए नहीं है। मेरे मन में ऐसा है कि आज के समय में पूरे महाराष्ट्र से स्वयं प्रयास करके इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आना, संख्या महत्वपूर्ण नहीं है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप में से बैठा हुआ हर व्यक्ति अपने आप में एक संस्था है। जिस संस्था को, जिस गांव के अंदर, जिस इलाके में आप काम कर रहे हैं, वहां आप सूर्य की तरह से समाज को चमका रहे हैं। आप जो सरकार जहां कम पड़ रही है, वहां आप अपने प्रकाश से लोगों के जीवन के अंदर रोशनी भर रहे हैं, उनकी समस्याओं को हल कर रहे हैं। मैं मन से महाराष्ट्र सरकार की तरफ से और स्वयं की तरफ से आपको प्रणाम करके आज के कार्यक्रम के अंदर आपका स्वागत करना चाहता हूं। शायद दोपहर के बाद में मुख्यमंत्री जी भी आएंगे, उनको इस कार्यक्रम का महत्व मालूम है। माननीय देवेंद्र फडणवीस जी भी इस कार्यक्रम में आना चाहते थे, पर चूंकि एक व्यक्तिगत कारणों से उनको नागपुर में रुकना पड़ा, तो उन्होंने भी अपना शुभकामना संदेश दिया है। विवेक मंच, विचार मंच केवल, जैसा कि अभी दादा ने बताया कि समस्या होने के बाद पोस्टमार्टम के लिए जाना या साल में एक कार्यक्रम करना, ऐसा विवेक विचार मंच नहीं है। विवेक विचार मंच एक जीती जागती चलवल है। विवेक विचार मंच के कारण आज समाज के अंदर जो कुछ भी प्रयास हो रहे हैं, उस प्रयास का फल है तो आप सब लोगों का इकट्ठा आना है। और यदि आप सब लोग इकट्ठे होकर विवेक विचार मंच के साथ में मिलकर इस काम को आगे बढ़ाते हैं, तो आज जो हमको कई कई अंधेरे बादल दिखते हैं, कई कई समस्याएं दिखती हैं, कई कई संघर्ष दिखता है, ये संघर्ष मिटाने के लिए सरकार तो अपना काम करेगी, पर सरकार से ज्यादा यदि कोई काम करेगा तो आपके माध्यम से विवेक विचार मंच करेगा। इतना बड़ा महत्व आज के कार्यक्रम का है। और मुझे याद है, मुझे घटना याद आती है कि 150 साल पहले लॉर्ड मेकाले करके एक व्यक्ति भारत के अंदर आया था, और उसकी रिपोर्ट अभी थोड़े दिनों के पहले लंदन के पार्लियामेंट में पब्लिश हुई। 100 साल तक वहां कोई चीज पब्लिश नहीं होती है, तो उस समय उस लॉर्ड मेकाले की रिपोर्ट में लिखा हुआ, आप में से कई लोगों को ये बात मालूम होगी कि भारत के अंदर सोने की चिड़िया केवल कागजों में नहीं, रियल में भारत सोने की चिड़िया है। दूध दही की नदियां बहती है, केवल कहावत नहीं है, वास्तव में भारत इतना संपन्न है कि यह दूध दही की नदियां बहती है। और इसलिए हम सारे विश्व के अंदर जितने राज्यों को हमने, जितने देशों को कब्जे में किया है, उन सबको मकवाना साहब छोड़ भी दें तो भी भारत को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और भारत को यदि नहीं छोड़ना है तो भारत की सबसे बड़ी ताकत है भारत की शिक्षा पद्धति। एक शिक्षा पद्धति को तोड़ दो तो भारत को हम लंबे समय तक कब्जे में रख सकते हैं। और उसके बाद में शिक्षा के अंदर जो परिवर्तन हुए, हम सबको मालूम है कि शिक्षा अब केवल एक नंबर लाने का साधन बन गया। स्कूलों के अंदर केवल कैसे अगली क्लास में कैसे एडमिशन ले, अच्छे कॉलेज में एडमिशन कैसे ले, इसके अलावा शिक्षा का जो सारा व्यवहारिक अर्थ था वो लॉर्ड मेकाले ने, अंग्रेजों ने उस समय षड्यंत्र करके खत्म कर दिया। कभी कभी मन में सवाल उठता है कि जब भारत वापस उठकर खड़ा हो रहा है, भारत आज विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है, तो क्या दुनिया की वही शक्तियां जो भारत को गुलाम रखना चाहती है, भारत को विश्व गुरु नहीं बनाना चाहती है, उन सब का इंटरेस्ट भारत को कमजोर करने में, किसी का इंटरेस्ट भारत के अंदर अपना ऑयल अपनी प्राइस पे बेचने में, किसी का मन भारत के अंदर अपने हथियार बेचने में, किसी को भारत अपना इंपोर्ट नहीं कर सके, भारत के अंदर लोग हम पे परावलंबी रहे, इसके लिए दुनिया के लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। इन सब षड्यंत्रों के सामने साधारण भारत का नागरिक आज एक हिम्मत करके जब उठकर खड़ा होने लगा है, तब पिछले 10-15 सालों से कई प्रयत्न पूर्वक कर भारत के विभिन्न समाज के अंदर तोड़फोड़ हो, संघर्ष हो, आपस के अंदर दुविधा की स्थिति हो, ऐसा प्रयत्न किया जा रहा है कि ऐसा कभी कभी मन के अंदर सवाल आता है। और इसके लिए विवेक विचार मंच के ये विचार, जिसमें आज आप सब मिलकर दिन भर इसके बारे में प्रयास करने वाले हैं, इसके बारे में कुछ मार्गदर्शन तय करने वाले हैं, आने वाले समय के अंदर ये जो आज 1000 लोग हैं, ये महाराष्ट्र के 8 करोड़ लोगों को मार्गदर्शन करेंगे। और जो छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र था, जो साहू महाराज का महाराष्ट्र था, जो उनकी कल्पना थी, वो महाराष्ट्र आपकी मेरी जिंदगी में वापस बने, इसके लिए आने वाले समय के अंदर हम सब मिलकर प्रयास करने वाले हैं। आप सब ने अपने जीवन के अंदर अपना स्वयं का समय काटकर, व्यवसाय नौकरी का समय काटकर, जो इस समाज के लिए समय देना तय किया है,
विवेक मंच विचार मंच के साथ जुड़ना तय किया है, सामाजिक समस्याओं को सामने जाकर लोगों की सहायता करने का तय किया है। ये अपने आप में कोई बड़े धर्म से कम काम नहीं है, कोई भावन से कम काम नहीं है, पूजा से कम काम नहीं है। और आपका इस काम को जितना नमन करें, जितना इसका व्याख्यान किया जाए, उतना इसके बारे में कम है। ऐसा मैं महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आपका सबका पुनः एक बार वंदन करना चाहता हूं। और यहां से जाने से पहले मेरे पास में कौशल्य विकास रोजगार विभाग है, और उस विभाग के अंदर कई सारी छोटी छोटी बातें मन में आती रहती है। तो आज छत्रपति साहू जी महाराज के जो 150वां साल इस बार 26 जून 1874 का उनका जन्म हुआ था, और 150वां साल अभी 26 जून को अपन मनाएंगे, सरकार तो बड़े कार्यक्रम करेंगी, पर इस स्थिति का लाभ लेते हुए और समाज को अपना सम्मान देने के लिए हम महाराष्ट्र सरकार का कौशल्य विकास विभाग इस साल मागस वर्गीय विभागों के समाज के 150 विद्यार्थी विद्यार्थिनियों को स्टार्टअप के लिए 1 लाख से लेके 5 लाख रुपए तक का फंड अगले 3 महीने में उपलब्ध कराएगा। आपको पब्लिकली एडवर्टाइजमेंट करके सबसे मंगवाया जाएगा, और उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपको 75% मार्क हो और आप मेरिट में हो रहा है एमबीए, कोई नहीं। जो अपना स्वयं का रावल साहब काम शुरू करना चाहता है, उसको मैं सार्वजनिक मन से जिम्मेदारी के साथ में घोषणा कर रहा हूँ, 150 विद्यार्थी विद्यार्थियों को हम पहले साल इस बार सम्मान देंगे 1 लाख से लेके 5 लाख तक का स्टार्टअप का। और इसके अलावा दो छोटी छोटी बातें और आप सबकी आज्ञा हो तो मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ। विधानसभा के अंदर क्या होता है कि एक आदमी प्रस्ताव रखता है और पूरी विधानसभा मिलकर उसको हाँ भरती है तो प्रस्ताव पारित हो जाता है। आज विधानसभा भी यही है और समाज की देश की लोकसभा भी यही है। तो मैं 2 प्रस्ताव आपके सामने और रखना चाहता हूँ कि हमारे विभाग के अंदर कौशल विकास के अंदर 448 ITI है। आप में से कई लोगों ने देखा हो गाँव में ITI है और 78 हमारे पास में पॉलिटेक्निकल है। इन सारे शिक्षा मंदिरों के अंदर इसी साल छत्रपति साहू जी महाराज के 150वें वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसके उपलक्ष्य के अंदर हम एक संविधान मंदिर का निर्माण करेंगे। और न केवल वहां पर संविधान मंदिर का एक संविधान के बारे में लिखा जाएगा, बल्कि बोरेकर जी ने मुझे सूचना दी कि केवल इस पर इसको मत छोड़िए, इसके बाद में हर महीने वहां पर संविधान की सोच क्या थी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में क्या कहा था, संविधान सभा के अंदर क्या क्या आपस में चर्चाएं हुई थी, संविधान के समय मन में देश में क्या था, आज हम कहां पर पहुंच गए, संविधान का मान सम्मान और संविधान की सही स्पिरिट को आने वाले समय के अंदर पूरे उन विद्यार्थियों के माध्यम से गांव गांव के अंदर पहुंचे, ये भी हम आज निर्णय लेते हैं। आप ही इसको सहमति प्रदान करते हैं तो। और इसके अलावा एक छोटा सा मैं विषय और रखना चाहता हूं, मकवाना साहब, हमारे जो ITI रहती है उन हर ITI में एक मैनेजमेंट कमेटी रहती है। मैनेजमेंट कमेटी का मंदिर ऐसा होता है कि जैसे मंदिर होता है तो मंदिर के अंदर एक ट्रस्ट होता है, मंदिर तो समाज का होता है पर ट्रस्ट उसकी देखरेख करता है, ऐसे ही ITI की देखरेख का अधिकार, उसमें सब कुछ कैसे क्या निर्णय करना है, वो अधिकार हमारी मैनेजमेंट कमेटी को रहता है। अभी हम सारी 448 ITI की मैनेजमेंट कमेटी का पुनर्गठन कर रहे हैं। आज ये आपके सामने मैं आपसे परमिशन लेकर ये निवेदन करना चाहता हूँ, आप यदि समाज इसको स्वीकार करे तो, कि ITI के अंदर जो मैनेजमेंट कमेटी में 5 मेंबर होते हैं उसमें 1 मेंबर कंपलसरी हर ITI के अंदर मागस वर्गीय समाज का रहेगा। हम लोकल वहां पर एडवर्टाइजमेंट करेंगे। मैं मन से आपके आगे हाथ जोड़ना चाहता हूँ, और ये हाथ केवल शरीर का नहीं है, मन का है। आपको वंदन करना चाहता हूँ कि आप इस तूफान के अंदर एक दिए की तरह उठकर खड़े हुए हैं। जो स्वामी विवेकानंद जी ने सोचा था, जो छत्रपति साहू जी महाराज ने सोचा था, वो आज जरूरत पड़ने पर वो बात, वो लकीर, वो आवाज बंद नहीं हो, बुलंद हो, इसके लिए आप आए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय महाराज।